क्या नाम है आपका? अबू बकर। और साहब बाकी सब बच्चे मुझे बताएंगे आज क्या है। एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताइए। 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी और 25 जनवरी, ये तो हर साल आती है, लेकिन 26 जनवरी क्या है, क्यों है, बताइए। आज़ादी नहीं मिली थी। आज के दिन गणतंत्र दिवस है, यानी हमारे संविधान का निर्माण होकर आज के दिन सामने आया था 1950 में। अच्छा, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं आप, भतीजे जी? ठीक है, बताइए कि इस मुल्क का नाम क्या है, आप बोलो। मुल्क का नाम क्या है, जिस देश में आप रहते हैं उसका नाम क्या है? हाथ खड़ा करना, बोलना मत, बोलो। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हम सब कौन है? हिंदुस्तानी है हम सब लोग, तो बोलेंगे हम सभी, बोलो हम सभी हिंदुस्तानी है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त को क्या करते हैं? झंडे में कितने रंग होते हैं? पहले ऊपर सबसे रंग कौन सा होता है? ऑरेंज रंग का। केसरिया का मतलब क्या है? बोल बोल बोल, क्या नाम है? पहले नाम बता, तू बहुत समझदार है। राम प्रकाश तिवारी। पंडित जी बोलिए कि क्या है पहले रंग का मतलब क्या है? केसरिया सुख शांति का प्रतीक, मतलब सभी के लिए सुख और शांति, किसी एक के लिए नहीं, इसके लिए भी, दत्तू के लिए जो खरगोश है। अच्छा, आप मुझे बताइए दूसरा रंग है उसका क्या मतलब है? कौन सा रंग होता है दूसरा? सफेद रंग का क्या मतलब है? और तीसरे रंग का क्या मतलब है? तीसरा रंग कौन सा होता है? हरियाली का प्रतीक है। दूसरे रंग का मतलब होता है शांति। पहले रंग का मतलब होता है एकता, मोहब्बत, मुल्क परस्ती, जिसको बोलते हैं हुब्बुल वतनी जज्बुल ईमान। जो अपने मुल्क का हबीब है वो ईमान के जज्बे का पक्का है। समझ गए? अब आप सब में समझदार अगर कोई है तो ये है, क्योंकि ये सारी बातें समझ रहा है। अच्छा, आप थोड़ा नजदीक आइए ना, आपने इतनी बड़ी खाई क्यों रखी हुई है बीच में? इधर आओ बच्चे, इधर आओ बेटा, इधर 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 आगे रहो। जिंदगी में जो आगे बढ़ेगा वही तरक्की करेगा, जो पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो जाएगा उसको जीवन में तकलीफ आएगी, वरना सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा। पीछे से निकलकर भारत रत्न बन जाए, वो किसी किसी की औकात हुआ करती है, जिसके माँ बाप उसको ईमान की नसीहत देते हैं, सच्चाई की शिक्षा देते हैं। तो अब मेरे साथ बोलेंगे जो मैं बोलता हूँ वो बोलो, हम सभी हिंदुस्तानी बच्चे हैं, हिंदुस्तानी बच्चे हैं। और वादा करते हैं, और वादा करते हैं, अगर हमारे सामने किसी भी बड़े इंसान ने, माँ बाप ने किसी दूसरे मजहब की बुराई की, किसी भाषा की बुराई की, किसी प्रांत की बुराई की, किसी जाति की बुराई की, तो हम उनसे कहेंगे हमें बुरी बातें मत सिखाइए, क्योंकि यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं, बराबर का हक है सबका, यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं, बराबर का हक है सबका। ध्यान रखना, इतनी बड़ी आवाज में बोल रहा हूँ, यहाँ जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कानून है, वो मजहब के हिसाब से नहीं है, बल्कि सबके लिए एक जैसा है। आपको कार्ड देकर जाऊंगा, अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी तकलीफ हो, कोई भी मजहब के नाम पर आपको तंग करे, आप सिर्फ मुझे फोन कीजिएगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं अभिनेता जरूर हूँ फिल्मों में और टीवी में, मैं एक डॉक्टर जरूर हूँ, और मैं एक ट्रेंड कमांडो हूँ जो लोगों को सिखाता है कि बेटियां अपनी अस्मत की हिफाजत कैसे कर सकती हैं, और आप अपने अधिकार को कैसे पा सकते हैं बिना तंबाकू के, बिना सुपारी के, बिना गुटके के, बिना सिगरेट के, बिना शराब के, बिना नफरत के, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अब ये मुझे सबसे अच्छा क्यों लग रहा है?